हेलो व्यूअर्स, आज फिर एक नए रेसिपी के साथ हम आ गए हैं आपके लिए एलास ईट बिट्स में। इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये डिश बनाते हैं और कितनी जल्दी ये बनेगी। अब थोड़ा सा ये मसाला अंदर घुसे और जल्दी पके, इसीलिए थोड़ी सी बंदोबस्त कर रही हूँ। और ये रहा थोड़ा सा पेपर पाउडर, ये भी मैंने घर में बनाया। थोड़ा सा सॉल्ट डाला, एक नींबू निचोड़ के रखा था, वो नींबू के रस भी डाले और अच्छे से बड़े प्यार से चिकन पीसेस को इससे कोट कर लिया। और फिर घर में बनाए हुए राई के पेस्ट है, सरसों के पेस्ट, थोड़ा सा एक काली मिर्च और नमक डाल के थोड़ा सा पेस्ट मैंने बनाया था पानी के सहारे। और इसको थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और मैरिनेशन के लिए आधा घंटा ऐसे ही छोड़ देंगे। लो जी, पैन गरम हो गया, अब इसमें मक्खन डालेंगे। हम पैन में ही मक्खन डालते हैं, दूसरों को मक्खन नहीं लगाते। हाँ, ये मक्खन पिघलने लगा है। ये नॉर्मल घर पे जो अमूल बटर खाते हैं उसी की छोटा स्लाइस निकाल के डाल दिया था। अब दिस इज़ वार्म इनफ टू फ्राई द चिकन ब्रेस्ट ऑन बोथ द साइड। ये मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से अच्छे से कुक करेंगे, कवर कर कर के। ये क्या होगा, बाहर से क्रस्टी एंड यू नो क्रस्टी बन जाएगा और अंदर से जूसी एंड टेंडर रहेगा। हाँ जी, सी ऑन बोथ साइड नाउ द कलर हैज चेंज। अब बाकी अभी भी मक्खन बचा हुआ है इसमें। नाउ दिस इज़ द मैजिक पेस्ट, 2 teaspoons ऑफ कर्ड एंड 1 teaspoon ऑफ द मस्टर्ड पेस्ट दैट आई हैव सेव्ड, और इसमें इस ग्रेवी में कुक करेंगे। एंड हियर द ग्रेवी इज़ ऑलमोस्ट डन। और ये देखिए, सोक कर लिया है बाकी का मस्टर्ड ग्रेवी इनटू द चिकन। अभी जाएगी द हनी, सो 1 tablespoon हनी डालेंगे। दिस एड्स अ लिटल स्वीटनेस टू द जिंग ऑफ द मस्टर्ड। और इसको अच्छे से कोट होने देंगे, थोड़ा सा और सिमर करेंगे एंड इट इज़ रेडी टू प्लीज द गेस्ट इन द इवनिंग। तो कैसा रहा आज की रेसिपी? इंटरेस्टिंग, टेस्टी, आई एम श्योर आप इसको ट्राई करोगे। इफ यू वांट टू रिप्लेस चिकन विद पनीर, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। पनीर कम्स आउट एज गुड एज द चिकन। एंड अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करना। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ये लो जी, हनी मस्टर्ड चिकन इज रेडी टू बी सर्व्ड। एंजॉय।